एक्चुअल इंप्लॉइज दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। यहां जिस तरीके से कस्टमर्स पर पेनाल्टी टैक्स सर्विस चार्जेस बढ़ाए जा रहे हैं, इन मुद्दों को भी उठाइए, तभी हमारा आंदोलन मजबूत है। आपको धन्यवाद। रेड सल्यूट, इंकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, इस बीच में हमारे कुछ गेस्ट आए हुए हैं, मैं 2 मिनट वक्त लूंगा। मैं गगन से अनुरोध करूंगा, समीर साथी केपी सिंह को हमारे बीच। समय में देश में जो आर्थिक स्थिति है, इसके बारे में आपकी यूनियन की क्या भूमिका होगी? हम तो अपने मुद्दे पर लड़ रहे हैं। देश में जो आर्थिक अवस्था है, जिस तरह से मंदी का माहौल है और बढ़ता जा रहा है, रोक नहीं है, जीडीपी में डाउनवर्ड ट्रेंड है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहे हैं, और उसके बीच में प्राइवेटाइजेशन का जो मुद्दा है वह सबसे खतरनाक है। अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, इनको प्राइवेट करने की मुहिम सरकार चला रही है, नए नए प्राइवेट बैंक को लाइसेंस दिए गए हैं, वे अपना काम कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और पब्लिक सेक्टर बैंकों की संख्या कम कर दी जा रही है। 2017 में 27 पब्लिक सेक्टर बैंक थे, आज वह कम होकर आपका 12 पर आ रहे हैं। तो इसमें क्षति यह है कि पब्लिक सेक्टर बैंक में आम जनता का रुपया सुरक्षित है, इस सुरक्षित रुपये को यदि उठाकर प्राइवेट सेक्टर बैंकों के हाथ में दिया जाएगा तो ये देश की उन्नति में काम में नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा। और इसलिए हम चाहते हैं कि जो बैंक हैं उनका मर्जर न किया जाए, पब्लिक सेक्टर बैंकों की ब्रांचों को बंद न किया जाए और इसको और विस्तार किया जाए। और दूसरी बात जो ये है कि पब्लिक सेक्टर बैंक देश की अर्थनीति में डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को सहायता करता है, प्राइवेट सेक्टर बैंक ये रोल प्ले नहीं करता। इसलिए यदि इसको हम ख़त्म कर देंगे तो हम अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार लें, तो हम इसके लिए संघर्षरत हैं। हमने मर्जर के खिलाफ में हड़ताल की, हमने अभी 10 तारीख को पार्लियामेंट के सामने धरना दिया, 3000 के करीब बैंक कर्मचारी वहाँ उपस्थित थे। इस धरने के बावजूद भी सरकार का कुछ परिवर्तन नहीं है, इसलिए ये जो सरकार है जो आज हर सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन कर रही है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो, चाहे वो माइनिंग सेक्टर हो, हर जगह, और बैंकिंग सेक्टर हो, तो यदि इस तरीके से प्राइवेटाइजेशन होगा तो देश का पूरा भविष्य क्या प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सुरक्षित है, ये हम जनता से अपील करते हैं कि इस पर सोचें और इसलिए इन मुद्दों को विरोध करें, हमारे आंदोलन को समर्थन करें। और सबसे बड़ी बात है कि आज पब्लिक सेक्टर में जो कस्टमर है, प्राय पब्लिक सेक्टर में 129 लाख करोड़ रुपया जमा है, जो हर साल वृद्धि होती है उसकी 8%, तो ये रुपया सुरक्षित है। आज उसे इस पर जिस तरीके से पेनाल्टी बैठाई जा रही है, जिस तरीके से सर्विस चार्ज बैठाए जा रहे हैं, जिस तरीके से GST बैठाई जा रही है, यह कस्टमर के हित के विपरीत है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कस्टमर के डिपॉजिट पर इंटरेस्ट को घटाया जा रहा है, ये जो इंटरेस्ट घटाया जा रहा है इसमें लाभ किसका हो रहा है? आम जो जनता है जो बैंकों में रुपया रखती थी, या सीनियर सिटीजन्स जो बैंकों में रुपया रख के अपना चलाते थे, आज वे मारे जा रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण यदि आप सोचें, 2011 में यदि आप 1 लाख रुपया बैंक में रखते थे तो 12,000 करीब आपको सीनियर सिटीजन हैं आपको सूद मिलता था महीने में 1,000 रुपया, आज वह हो गया है 6,400 करोड़ रुपया, माने आधे करीब आ चुका है और कमता जा रहा है। दूसरी तरफ बोरोवर
जो बैंक का पैसा लूट रहे हैं उनको उनके इंटरेस्ट में कमी आ रही है, उनको किंतु लाभ पहुंचाया जा रहा है। तो आप आम लोगों को, ये जो करोड़ों की तादाद में बैंक में कस्टमर हैं, उनको लूट रहे हैं और तिजोरी भर रहे हैं उन बड़े बड़े कॉरपोरेट लूटरों की, जो बैंक से लोन लेते हैं और बैड लोन करते हैं। इसलिए इन मुद्दों को जनता को भी सोचना चाहिए। हम कर्मचारी लोग सोच रहे हैं, लड़ रहे हैं, हम लोग हड़ताल करते हैं इसके लिए, हमें गलत समझा जाता है, किंतु हम राष्ट्र के हित में ही हड़ताल कर रहे हैं। क्योंकि यदि मजबूत अर्थव्यवस्था रहेगी तो मजबूत देश होगा। देश आज मिलिट्री से मजबूत नहीं होता, देश की आर्थिक अवस्था यदि मजबूत होगी तभी देश मजबूत होगा। इस विश्वास पर हम लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे।